इन 1815 वाटरलू का एक युद्ध हुआ था जो कि नेपोलियन बोनापार्ट और प्रैब के बीच है। नेपोलियन अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, बाकी देशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। प्रैब में पी मीन्स क्रोशिया, आर मीन्स रशिया, ए मीन्स ऑस्ट्रिया एंड बी मीन्स ब्रिटेन। तो इसमें जो प्रैब थे ये नेपोलियन के अगेंस्ट थे, और इन्होंने जब नेपोलियन ने इन देशों पे अपना आक्रमण किया तो नेपोलियन इन देशों के साथ हार गया वाटरलू के युद्ध में। जब वाटरलू के युद्ध में इसको डिफीट मिल गई तो इन देशों के बीच में और इसके बीच में एक ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा जो ये देश थे इन्होंने अपने यहाँ पर दोबारा से उसी मोनार्की सिस्टम को ही लागू रखा, क्योंकि जो प्रैब के जो देश थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ कोई भी नया सिस्टम शुरू हो जाए। वो अपने जो पुराना जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजशाही सिस्टम था, वो उसको बहुत पसंद करते थे, और वो दोबारा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उन्होंने फिर से उन्होंने अपने देश में इसी सिस्टम को दोबारा लागू कर लिया, और नेपोलियन इस युद्ध में हार गया और यहाँ पर दोबारा से मोनार्की सिस्टम यहाँ स्टार्ट हो गई। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। थैंक यू।